हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक MRTP एक्ट 1969। MRTP मींस मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। MRTP एक्ट जो था वो 1969 में आया, 1 जून 1970 में इफेक्टिव हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दत्त कमेटी, MRTP एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1969 टू एंश्योर दैट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन हैंड ऑफ फ्यू रिच। द एक्ट वॉज देयर टू प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इट एक्सटेंड टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MRTP एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डेट्रीमेंट। इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी है इंडिया की, वो चंद लोगों के हाथों में न आके रह जाए, इसको रोकने के लिए ये एक्ट बना था। इसके साथ साथ गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सके, क्या प्रोहिबिट कर सके, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस को, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को। MRTP एक्ट में एक पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू ऑर्डर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी बाय MRTP कमीशन। वो ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट तब ले सकती थी जब वो MRTP कमीशन उसकी इन्वेस्टिगेशन करके फाइनल करे। तो उसमें क्या इन्वेस्टिगेट होता था? डिवीजन ऑफ अंडरटेकिंग्स, सेवरेंस ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन अंडरटेकिंग्स। ये जो ऑर्डर पास कर सकती थी गवर्नमेंट डिवीजन का या सेवरेंस या ब्रेक का, ये ओनली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी बाय MRTP कमीशन। एक ही बिहाफ पे ऑर्डर कर सकती थी जब MRTP कमीशन उसे परमिशन देता, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। डिवीजन ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब है कि जब किसी एक ही कंपनी या एक ही पर्सन उसको ऐसी अंडरटेकिंग या प्रोडक्ट को डेवलप कर लेता है कि उस तरीके का कोई और प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बनाती, वही कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है, तो वह पर्सन या कंपनी आसानी से अपने प्राइस को मैनिपुलेट कर सकती है और इंक्रीज कर सकती है। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन पूरी तरह से हट जाएगा और वो अपनी मनमानी करेगा प्राइस के साथ। और इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी जो कि मोनोपोलिस्टिक नेचर को, जो अंडरटेकिंग्स के हैं उनको डिवाइड कर दे या डिवीजन कर दे या ब्रेक कर दे। नेक्स्ट पॉइंट था सीवरेंस ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन अंडरटेकिंग्स। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि सीवरेंस मतलब ब्रेक करना होता है, जो बहुत सारे अंडरटेकिंग्स हैं उनके इंटरकनेक्शन को ब्रेक करना है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट को इंडिया में केवल 4 अंडरटेकिंग्स बनाती हैं, तो वो जो 4 अंडरटेकिंग्स पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा रही हैं, यहाँ तक ठीक है, बट ये चारों अंडरटेकिंग्स अगर आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं और आपस में कुछ एग्रीमेंट कर लें और सब साथ में उस प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ा दें, तो इस केस में गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि वो इनके इंटरकनेक्शंस को ब्रेक कर सके, सीवियर कर सके। इस तरह का ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर सकती थी अंडर द MRTP एक्ट। तो MRTP एक्ट क्लियर हुआ। ऑब्जेक्टिव्स तो हमने देख ही लिए, टू एंश्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन हैंड्स ऑफ रिच पर्सन। यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। टू प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, टू प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अभी हम देखेंगे कि जो प्रोहिबिट या फिर मोनोपोलिस्टिक और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होता क्या है, क्या क्या चीज़ें मोनोपोलिस्टिक के अंदर आती हैं और कौन कौन सी बातें रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड के अंदर आती हैं। अब है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस। डेफिनेशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, MRTP कवर्स, क्या क्या कवर करता है, अनरीजनेबलनेस ऑफ द प्राइस चार्जेज, अनरीजनेबलनेस इन द प्रिवेंटिंग और लेसनिंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट,
अनरीजनेबली इंक्रीजिंग प्राइसेस और प्रॉफिट्स, ये सब मोनोपोलिस के अंदर आता है। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है यदि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का मनचाहा प्राइस चार्ज करती है तो वह मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस के नेट के अंदर आ सकती है। यदि कोई ट्रेड प्रैक्टिस इस तरह से काम करती है कि वो मार्केट में कंपटीशन को कम कर रही है या कमज़ोर कर रही है, वीकन कर रही है अनरीजनेबली, थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर क्रिएट कर रही है, अनरीजनेबली वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, अनरीजनेबली का मतलब है कि अफेक्ट, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। थोड़ा अफेक्ट होता है तो चलेगा, बट अनरीजनेबली अफेक्ट होता है तो वह मोनोपोलिस्टिक श्रेणी में आ जाएगा। अगर कोई अंडरटेकिंग अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस प्रॉफिट को अनरीजनेबली बढ़ा रही है, इंक्रीज करती है, तो वह भी MTP मतलब मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस के नेट में आ जाती है। अनरीजनेबली यदि अफेक्ट होता है तो उसको मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस माना ही जाएगा, ठीक है। द एक्ट डिफाइन द मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस एज सच प्रैक्टिसेस इंडिकेट मिसयूज ऑफ वन्स पावर टू अब्यूज द मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। फर्म इन्वॉल्व इन मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस ट्राई टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मार्केट, यही चीज मैंने अभी बताई थी। Then they take advantage of their monopoly and charge unreasonably high prices. Unreasonably high is important. छोटा थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है तो कोई बात नहीं। They also deteriorate the product quality, limit technical development, prevent competition and adopt unfair trade practice. ये सारी चीजें मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आती है, और अगर ऐसा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रोक सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है, उसके पास ऐसे पावर्स हैं। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच प्रिवेंट्स, डिस्टॉर्ट्स और रेस्ट्रिक्ट द कॉम्पिटिशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी मैनर। मतलब इसको समझेंगे कि एक पर्सन, उसकी बड़ी कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बनाती है, अब ये जो पर्सन है वो किसी से रॉ मटेरियल खरीदता है, किसी कंपनी ए से, तो जो पर्सन है वो ए को कंडीशन लगा देता है कि ए केवल उसी को रॉ मटेरियल की सप्लाई करेगा, किसी और सेलर को सप्लाई नहीं करेगा। तो ये आता है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर। यदि वो ट्रेड प्रैक्टिस कंपटीशन को डिस्टॉर्ट करती है तो वह रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगी। अभी हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, द एक्ट डिफाइंस रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एज द ट्रेडर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड टू गेन पावर इन द मार्केट, often include in activities that tends to block the flow of capital into production. Such traders also bring in conditions of delivery to affect the flow of supply, leading to unsatisfied costs. RTP means restricted trade practice means any trade practice which prevent, distorts or restricts the competition for goods and services in any manner. ये तीनों words बहुत important है, prevent और distort और restricts goods and services में, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, RTP मतलब restrictive trade practice के अंदर आ जाएगा। status of MRTP से हम पहले एक और term है unfair trade practice, उसको देख लेते हैं। unfair trade practice consists of using various deceptive, fraudulent or unethical method to obtain businesses. Unfair trade practice including misrepresentation, false advertising, tied and other act that are declared unlawful by statute. तो जो चीजें फ्रॉड या फिर धोखा या फिर अनएथिकल मेथड को फॉलो करती हैं या फिर गलत एडवर्टीजमेंट से कोई प्रोडक्ट को अगर बेच रहे हैं,
तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रोक सकती है MRTP एक्ट के तहत। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑल्सो कवर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, जो कंज्यूमर्स के जो राइट्स या फिर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, किसके थ्रू? MRTP एक्ट के थ्रू। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे अनफेयर ट्रेड हुआ। हम कोई एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, वो एकदम फूला फूला रहता है, और अगर हम उसको खोलते हैं और उसमें दो चार चिप्स ही होती हैं जबकि वो इतना बड़ा है साइज में, तो एक तरीके से जो इसका मतलब ये हुआ कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमने उस तीन चार चिप्स के लिए ज़्यादा कॉस्ट पे की है। तो इस तरीके दो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बाय MRTP एक्ट। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो MRTP एक्ट प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट्स विद डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल MRTP एक्ट से नीचे एक कमिटी अथॉरिटी होती है, जो कि जो भी ट्रेडर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने प्रोडक्ट के लिए। फिर जो DG जो अथॉरिटी होती है रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद उसके ऊपर होता है MRTP कमीशन। MRTP कमीशन इज एम्पावर्ड टू इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन टू पास फाइनल ऑर्डर इन रेस्पेक्टिव ऑफ RTPs एंड UTPs। RTPs क्या था? रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, और UTP था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो कमीशन इन्वेस्टिगेट करता है, फिर डिसाइड करता है कि ये रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है। उसके बाद क्या था कि ये जो एक्ट था ये खत्म हो गया था, और उसके बाद कॉम्पिटिशन एक्ट आया था। तो उससे पहले हम देख लेंगे इसका करंट स्टेटस ऑफ MRTP एक्ट। दिस एक्ट इज नॉट इन फोर्स इन इंडिया करंटली एज इट वॉज repealed and was replaced by Competition Act 2002 with effect from September 1, 2009. The MRTP Commission was replaced by Competition Commission of India. एक बार एक चीज़ देख लेंगे, जो MRTP Act था वो किस किस पे लागू नहीं होता था? Government companies पे, undertakings owned by government, companies established by a central or state act, ट्रेड यूनियंस और कंपनीज विच हैव बीन टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनीज ओन्ड बाय रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इन सब में MRTP एक्ट लागू नहीं होता था। फिर हम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में देख लेंगे क्यों आया, क्या इसका मकसद था। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वॉज एनेक्टेड टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम कर्बिंग मोनोपोलीज। कर्बिंग मोनोपोलीज मतलब जो मोनोपोली को रोकने का जो फोकस था MRTP एक्ट का, उससे ये शिफ्ट होके प्रमोटिंग कंपटीशन, मतलब जो कंपटीशन है उसको प्रमोट करना चाहते हैं अब। वो मोनोपोलीज ये सब तो टाइम के साथ अब ख़त्म हो चुकी हैं, तो उसका फोकस चेंज करने के लिए MRTP एक्ट को शिफ्ट कर दिया कॉम्पिटिशन एक्ट में या बदल दिया। तो कॉम्पिटिशन एक्ट का मोटो क्या था? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वॉज enacted to shift the focus from curbing monopolies to promoting competition. Monopolies को रोकने से shift होके कहाँ गया? Competition को promote करने पर। MRTP Act main focus was monopolistic trade को रोकना, और अब वो obsolete हो गया है, इसलिए new act आया है, उसका नाम है Competition Act 2002। इसमें हम प्रमोटिंग कंपटीशन पे फोकस करना चाहते हैं, और जो MRTP एक्ट 1969 था वो ऑब्सोलूट हो गया है। MRTP एक्ट 1969 हैज बीन ऑब्सोलूट। थैंक यू। इसके बाद न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।